बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर कल हम पढ़ रहे थे आपके EVS NCERT फैक्ट्स के बेसिस पर, अगर हम बात करें के आधार पर अगर हम बात करें तो ऐसे में हम एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे वो पक्षियों को लेकर के ऐसे में बात करेंगे। और ऐसे में समय रहा तो हम जो हमारे यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पक्षियों को लेकर के बात करें, पक्षी बर्ड करके आपका लिखा हुआ है, लिखा है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। क्या बोला इन्होंने, केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वह घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। ये बात इन्होंने बताई हुई है। आगे क्या कहते हैं कि घोंसला छोड़ कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। कहाँ कहाँ चले जाते हैं वो भी इन्होंने बताया हुआ है। पेड़ों पर चले जाते हैं, जमीन पर और पानी में चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, ये बात याद रखिएगा, सिर के दोनों तरफ बोला हुआ है। यहाँ पर कई सारे पक्षी जो है वो हमने चित्र में दिखाए हुए हैं, आप इनको भी यहाँ पर गौर फरमा सकते हैं। इन पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। आगे कहते हैं ये जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका ऐसे में देखने का दायरा, जब अलग अलग चीज़ों पर देखते हैं या ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा जो है वो बढ़ता है। और ये जब बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, ये बात यहाँ से गौर करिएगा। आगे कहते हैं ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती, वो अपने गर्दन घुमा कर ही आसपास की चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। एक अगले पॉइंट में क्या कहते हैं यहाँ पर कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, उन्हें गर्माहट भी देते हैं और नए पंख आते रहते हैं और पुराने जो है वो झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बात करें, उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चल कर आने वाले के लिए दूसरी तरीके की आवाज़। तो यहाँ पर पक्षियों को लेकर के बात की जाए, उड़कर जमीन पर चल करके दोनों ही को लेकर के बात की हुई है। पक्षियों के कान देखते नहीं हैं लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से क्या करता है, सुनता है। वही चीज़ें हमने इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आगे इसमें बात इन्होंने जो बताई हुई है वो बसंत गौरी को लेकर के बोला हुआ है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे देती है। बोला हुआ है कि कीप्स टुक टुक इन द समर बाई मेकिंग अ डीप होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड लेइंग एग्स इन इट। और यहाँ पर बसंत गौरी का चित्र दिखाया हुआ है। शक्करखोरा की अगर हम बात करें, शक्करखोरा या शक्करखोरा जिसे सनबर्ड के नाम से जानते हैं, इन्होंने कहा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाले पर अपना लटकता हुआ घोंसला ये बनाते हैं। ऐसे में आगे कहते हैं कि इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, आगे कहते हैं इसमें सूखे पत्ते, रुई है, पेड़ की छाल के टुकड़े, फिर आगे कहते हैं कि कपड़ों के चीथड़ों से बना हुआ होता है। किनसे बनता है वो बात इन्होंने बताई हुई है। और ये है शक्करखोरा जो आपकी स्क्रीन पर आप इस समय देख पा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और दर्जन चिड़िया यानी कि ट्रेलर बर्ड के बारे में बात करेंगे। दर्जन चिड़िया जो है अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है, उसमें अंडे जो है वो देती है। तो दर्जन चिड़िया आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको परिलक्षित होगी। आगे इन्होंने काइट्स, ईगल, वल्चर्स यानी कि चील जो है, बाज है और गिद्ध के बारे में वर्णन किया हुआ है। कहते हैं ये आपसे, ये बताते हैं चील है, बाज है और गिद्ध है, हमसे चार गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। क्या बोला है यहाँ पर, मैंने बोला पक्षी हैं। एक चीज़ मैं आपको कल भी बताया था कि पक्षी आपके दो पैर होते हैं, अगर इसमें दो और जोड़ देंगे तो ये चार गुना देख पाते हैं। जो जानवर हैं उनके चार पैर होते हैं, उसमें अगर हम दो जोड़ देंगे तो ये कितना, छह गुना देख पाते हैं, जैसे बाघ। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा ऐसे याद करने में। चील की जो पूँछ होती है वो खांचे वाली होती है, ये बात इन्होंने बोला हुआ है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊँचाई पर उड़ता है। ये किसकी बात बताई है, गिद्ध की बात बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा चील है, बाज है और गिद्ध है। ये चील है, यहाँ पर बाज आपको, और एक गिद्ध जो है सबसे लास्ट में आपको चित्र जो है वो देखने को मिल रहा होगा। आगे यहाँ पर मेल वीवर बर्ड को लेकर के बात इन्होंने पूछी हुई है, कही हुई है कि नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वो क्या करती है,
अंडे दे देती है। ठीक है, आगे फाख्ता। फाख्ता जो पक्षी होता है वो आपका बिल्कुल कबूतर जैसा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र में। तो इन्होंने कहा द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स एंड कैक्टस, मतलब ये आपके क्या है जहाँ पर अपना घोंसला बनाने की अगर बात की जाए तो कैक्टस और कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना ये घोंसला बनाती हैं। किसकी बात की हुई है, जब हम डव को लेकर के बात करते हैं। आगे उल्लू की बात की है, तो यहाँ पर उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ये रोल इट्स नेक बैकवर्ड्स करके लिखा हुआ है। अपने गर्दन को ये क्या करता है, पीछे तक एकदम से घुमा सकता है। वहीं अगर हम मैना को लेकर के बात करें तो झटके से अपने गर्दन को क्या करती है, वो आगे पीछे करती है। ये दोनों में जो अंतर है उसे बहुत अच्छे से याद रखेगा कि उल्लू पीछे तक घुमा सकता है जबकि मैना जो है वो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। ठीक है, चलिए, तो उल्लू भी आप चित्र में देख पा रहे होंगे यहाँ पे और मैना भी आप चित्र में देख पा रहे होंगे। बात कर लेते हैं इंडियन रॉबिन के बारे में। कलचुड़ी क्या है भाई, कलचुड़िया जो है बोलते हैं इसे पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें हैं, ऊन है, बाल है, रुई है, ये सभी जो है वो बिछा हमें देखने को मिलेगा। छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। दियर बीक इज रेड फ्रॉम इनसाइड, ये बात देखिए यहाँ पर हमने जो है वो मेंशन की हुई है। बात कर लेते हैं कौवा के बारे में। क्रो के बारे में क्या बातें लिखी हुई हैं कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपने घोंसले नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। फिर आगे क्या कहते हैं यहाँ कि जो कौवा है अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौवा और कोयल दोनों को लेकर के जो बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। ठीक है, आगे हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर गौरैया स्पैरो के बारे में बात करते हैं। इन्होंने गौरैया की अगर हम बात करें, कहते हैं कि गौरैया आलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पर है, आलमारी के ऊपर है, आईने के पीछे है, ये अपना घोंसला जो है वो बनाती हैं। आगे कहते हैं कि कबूतर पुराने मकान या खंडहार में घोंसला बनाते हैं। अभी यहाँ पर कबूतर के ही बारे में बोला गया है और ये कहाँ घोंसला बनाते हैं वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उम्मीद है कि ये आप पक्षियों के बारे में इतना कुछ बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य उद्यान के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये सारे ही आपके एनसीईआरटी फैक्ट हैं, आपके सारे क्वेश्चंस जो है आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। आज थोड़ा सा खट्टा मीठा प्रकार का पेपर था आपका, लेकिन ओवरऑल जिन किसी ने भी पढ़ा हुआ है वो बहुत आसानी से जो है वो पेपर किया होगा। अब आपसे अगर कर्क रेखा पूछ रहा है तो कर्क रेखा यूपी टेट में या उन चीज़ों में आप कितनी बार पढ़ के आए हो, आप गमछा झार मित्र पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में किन राज्यों से होकर के गुजरती है, कितनी बार कर्क रेखा के बारे में पढ़ के आए हो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा है और बाकी सारी बातें। इन्होंने क्या बोला कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट का एक आपका यहाँ पर आप बाघ देख पा रहे होंगे एक चित्र में। अगर हम जिम कॉर्बेट को लेकर के बात करें, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, बाघों की आबादी यहाँ पर बहुत है। और एक नोट करके मैंने पॉइंट एक लिखा हुआ है, 1935 में रामगंगा के इस अंचल को वन्य पशुओं की रक्षा हेतु सुरक्षित किया गया। उस समय के जो गवर्नर थे वो मालकम हैली के नाम से इस पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और फिर से इसे जो है अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आती हैं। फिर है यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, गिर वन संरक्षण जो है क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। और यहाँ पर गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित है, टाइगर रिजर्व एरिया है ये, और ये शेर बब्बर शेर के लिए विश्व फेमस है। ओके, फिर बात आती है दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ये आपका क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बाघों और 12 सिंहों के लिए जो मुख्य चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, बाघ और 12 सिंहों के लिए जो है ये ऐसे में क्या है आपका फेमस है। बांदीपुर सेंचुरी की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को, ये चीज़ भी याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क
की बात की हुई है। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसोरस यानी कि एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है, ये आसाम में है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। कब घोषित हुआ ये? 1985, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कब, 1985 में, एक सींग वाला गैंडा आसाम। ये सब की पॉइंट्स हैं जो आपको ऐसे में रिमेम्बर करने हैं। भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है, तो ये आप बहुत कम ऐसे में जानते होंगे, भारतीय बाघों का घर भी जो है इसे हम कहते हैं। दिस पार्क इज ऑल्सो कॉल्ड द होम ऑफ द इंडियन टाइगर्स। आगे क्या है आपका, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एमपी से सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक एमपी का, और 1968 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए फेमस है, ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि देश की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क जो है वो साउथ बंटन, यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ बटन करके इसे बोल देते हैं, अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। देश में सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है आपका राष्ट्रीय पार्क वो है आपका हिमेश लद्दाख में। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। आगे कहे हैं कि बाघ अभयारण्य सरिस्का है जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है, ये पहला है, यहाँ पर फर्स्ट है, द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इज सरिस्का इन राजस्थान। ये बात यहाँ से याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, इन्होंने बोला हुआ है, बताया हुआ है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य गोर्जन सागर के आंध्र प्रदेश की बात की है। विश्व का तैरता एकमात्र राष्ट्रीय पार्क अगर हम बात करें तो वो है केबलामजाओ जो कि मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ मिलेंगे, तो अंडमान निकोबार में। तो केबलामजाओ नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर आप केबलामजाओ को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, और ये मणिपुर से आपका जो है वो क्या करता है, बिलोंग करता है। यहाँ से आगे क्या कुछ है, उन चीज़ों को लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। नेपेंथीज का भी दिया हुआ है, बरगद वगैरह दिया हुआ है रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो नेशनल पार्क जो मुख्य मुख्य थे और जो पक्षियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर होप्स समझे होंगे। कोई और सवाल हमारे लिए, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। क्लासेस जो है अभी दो क्लासेस हमने रेगुलर की हैं, सुबह 7 बजे आपका सुपरटेट का साइंस आता है और शाम को यहाँ पर 7:30 बजे क्या 7:30 बजे, जी हाँ 7:30 बजे हम आपको जो है सीटेट की क्लास देते हैं। बीच में आपका जो भी होगा दोपहर में या जो भी है सुटेबल टाइम आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें यूपी टेट की कक्षाएँ जो है वो चलेंगी। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।